एट स्टैंडर्ड का हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल सेवेंथ लेसन स्टार्ट किया ओके वहां पे हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखा ओके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछते हैं अभी नेक्स्ट है नोबल मेटल ओके आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या करते हैं आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लेके या फिर इलेक्ट्रॉन देके ओके मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन देके आयंस बनाते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके आयंस बनाते हैं ये क्यों देते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते क्यों है खुद को स्टेबल बनाने के लिए ओके तो स्टेबल बनने के बाद वो नोबल की तरह बन जाते हैं नोबल गैस की तरह या फिर नोबल एलिमेंट्स की तरह बन जाते हैं तो नोबल मेटल क्या है ओके सम मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम ओके पैलेडियम रोडियम आर द नोबल मेटल ओके अब इनको नोबल क्यों बोला जाता है दे अकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट Gold which is 100% pure is called 24 karat gold. ये आपको Phillips के लिए आता है, okay? Pure gold is a soft. Pure gold क्या रहता है? Soft. जो एकदम 24 karat वाला gold रहता है, वो soft रहता है. तो गहने बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए 24 karat वाला gold कभी भी use नहीं किया जाता. वो हमेशा 22 gold वाला ही use किया जाता है. तो 22 karat Okay, 22, 24 यानी pure. तो 22 carat यानी pure gold नहीं है, उसमें कुछ तो mix किया है. तो 2 carat क्या mix करते हैं? एक तो silver mix करते हैं या फिर copper mix करते हैं. तो ये सब चीजें उसमें mix करते हैं gold में. इसके लिए वो jewelry hard होता है, soft नहीं होता, easily break नहीं होता. Okay? तो क्या दिया उन्होंने? As a result, the ornament made from the pure gold bend or break due to the pressure. Therefore, the goldsmith, यानी जो ज्वेलरीज बनाते हैं, mix it with the certain proportion of copper or silver. तो ज्वेलरी बनाते वक्त इसमें गोल्ड में ये mix किया जाता है. Ornament are made from the 22 carats. 22 carats से बनाते हैं and gold or gold with the still smaller carat value. Okay, तो सबसे अच्छे जो ornament रहते हैं वो 22 carat gold वाले रहते हैं. उससे भी कम गोल्ड वाले बनाते हैं तो उसमें गोल्ड का जो अमाउंट है वो कम होता है यानी 20 कैरेट वाले या फिर 21 कैरेट वाले 18 कैरेट वाले तो उसमें गोल्ड का अमाउंट कम होता है और बाकी मेटल का अमाउंट ज्यादा रहता है कॉपर या फिर सिल्वर यूजेस ऑफ नॉन मेटल गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम आर यूज्ड टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट ओके अब इनको नोबल क्यों बोला है ये नॉर्मली क्यों नोबल बोला है क्योंकि ये जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ भी नहीं पानी के साथ भी नहीं एसिड के साथ भी नहीं ओके बेस के साथ भी नहीं इसलिए इनको नोबल बोला है क्या बोला है इनको नोबल ओके द सिल्वर यूज इन द मेडिसिन ओके सिल्वर कहां पे यूज होता है मेडिसिन में इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज सिल्वर के अंदर क्या रहता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक द मेडल्स ओके सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक द फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए भी ये यूज होता है प्लैटिनम पैलेडियम मेटल आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट कैटलिस्ट के लिए रिएक्शन में यूज होता है कैटलिस्ट क्या है 10 स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में सीखोगे ओके तो यहां पे सिर्फ याद रखना ये कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज होते हैं रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए ओके किसी भी रिएक्शन का अगर हम लोग को स्पीड बढ़ानी है तो ये यूज होता है नेक्स्ट प्योरिटी ऑफ ओके हम लोगों ने देखा है गोल्ड कौन सा गोल्ड प्योर रहता है 24 कैरेट का गोल्ड प्योर रहता है और वो क्या रहता है सॉफ्ट ओके तो यहां पे देखो गोल्ड का प्योरिटी दिया है उन्होंने देखो नीचे देखो 24 100% 22 कितना रहता है 91.66% प्योर रहता है यानी उसमें इतना गोल्ड का कंटेंट है तो ऐसा जितना गोल्ड का कंटेंट कम होगा उतना उसका प्योरिटी कम होता है नेक्स्ट कांसेप्ट है करोजन करोजन यानी क्या करोजन यानी डिस्ट्रॉय खराब होना ओके अब लोखंड देखो लोखंड का किला लेके आओ कहां से दुकान से एकदम शाइनी रहेगा ओके उसको क्या करने का बारिश के दिनों में रख देने का स्टेनलेस के ऊपर ओके और एक महीने के बाद उसको ऑब्जर्व करो क्या आया रहेगा उसके ऊपर ब्राउन कलर आएगा यानी उसका क्या हुआ है करोजन उसको रस्ट है ओके जंग लगना हम लोग जो बोलते हैं ओके तो वो करोजन क्या दिया है गैसेस इन द एयर रिएक्ट विद द मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर में डिफरेंट गैसेस रहते हैं ओके वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी वाटर इन द प्रेजेंस मॉइस्चर यानी क्या वाटर जो वेपर फॉर्म में रहता है एंड द मेटल गेट्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो
क्रोशन और मेटल क्या होता है करोड होता है यानी खराब होता है। अभी करोशन होता है यानी क्या होता है तो आप देखोगे कि वो आयरन नेल के ऊपर किले के ऊपर क्या आता है रेडिश कलर का या फिर ब्राउनिश कलर का एक लेयर आता है। ओके आयरन के ऊपर वो क्यों आता है विद द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ओके उस मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होता है इसके लिए वो आता है। और ग्रीनिश कलर डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर के इंटेंसिटी के ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर आता है क्यों क्योंकि वो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है। ओके आयरन किसके साथ रिएक्ट होता है एयर के ऑक्सीजन कॉपर किसके साथ रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कौन से कलर का लेयर आता है ग्रीनिश कलर का लोखंड के ऊपर आयरन के ऊपर कौन सा कलर का लेयर आता है रेडिश कलर का। ओके अ ब्लैकिश कलर डिपॉजिटेड इज फॉर्म ऑन द सिल्वर सिल्वर के गहने देखो कुछ दिनों के बाद यूज करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर आता है। ओके वो क्यों आता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है एयर के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ H2S के साथ और ब्लैक कलर का लेयर आता है। टू प्रिवेंट द करोशन अगर मेटल का करोशन नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए अ लेयर ऑफ ऑयल ग्रीस वार्निश पेंट आर अप्लाइड ऑन द ओके नॉर्मली देखो लोखंड के ऊपर क्या लगाया जाता है पेंट लगाया जाता है क्यों क्योंकि उसका करोजन नहीं होना चाहिए। ओके तो ये सब या फिर किसी भी जो भी बहुत सारे ऐसे मशीन्स रहते हैं उसको ग्रीसिंग किया जाता है। ओके ऑयलिंग किया जाता है तो उससे क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आता एयर का या फिर मॉइस्चर का उस मेटल के पार्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आता तो ये करोजन रोकता है। अभी इसके बारे में करोजन आपको 10 स्टैंडर्ड में जाके भी है तो ये जितना भी 8 स्टैंडर्ड का कांसेप्ट है ठीक से समझ के लेना क्योंकि ये सब 10 स्टैंडर्ड में है थोड़ा डीप में। ओके नेक्स्ट आल्सो प्लेटिंग विद द अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल इज डन। अभी क्या किया जाता है पेंट वगैरह लगाया जाता है तो क्या होता है कुछ दिनों के बाद पेंट निकल जाता है और वो मेटल क्या होने लगता है खराब होने लगता है। मगर कुछ मेटल जो ऐसे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हम लोग को यूज करना है तो उनका करोजन कैसे रोका जाए तो उसके ऊपर क्या किया जाता है ऐसे भी एक सर्टन मेटल है जिनका करोजन नहीं होता तो मेरे पास ये एक मेटल है इसका करोजन होता है तो मैं क्या करूंगा इस मेटल के ऊपर कवरिंग लगाऊंगा। किसका कवरिंग लगाऊंगा किसका प्लेटिंग करूंगा जिस मेटल का करोजन नहीं होता ऐसे मेटल का इसके ऊपर प्लेटिंग करूंगा तो इसका करोजन रुकेगा। जैसे आप देखोगे सिल्वर के गहने रहते हैं उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाया जाता है ऐसा हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं गोल्ड प्लेटिंग। तो उससे क्या होता है वो सिल्वर जो है जो बार बार यूज करने से क्या होता है ब्लैक हो जाता है। ओके ब्लैक कलर का लेयर आता है उसके ऊपर वो आता नहीं कुछ दिनों के बाद वो गोल्ड का प्लेटिंग जो है वो निकल जाता है धीरे धीरे मगर उससे क्या होता है वो सिल्वर का लाइफ भी बनता है। तो ऐसे प्लेटिंग किया जाता है दूसरे मेटल का जिसका करोजन नहीं होता गोल्ड का करोजन होता नहीं तो गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है। ओके आयरन इज अरेस्टेड बाय द जिंक आयरन के ऊपर किसका कोटिंग किया जाता है जिंक का एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस द कांटेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद एयर इज लॉस्ट एंड करोजन कैन नॉट ऑकर। तो इससे क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आता है मेटल का। ओके एयर के मॉइस्चर के साथ नहीं आता तो करोजन होता नहीं। नेक्स्ट एलॉय ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे जाके भी आपको है 10 स्टैंडर्ड में एलॉय यानी क्या इस ईयर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही एलॉय के ऊपर। एलॉय यानी क्या मिक्सचर एलॉय यानी क्या मिक्सचर कैसा मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब क्या है होमोजेनियस यानी पानी में सॉल्ट डालो आप उसको डिसॉल्व करो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो दो सब्सटेंस का मिक्सचर है यानी पानी एंड सॉल्ट का मिक्सचर है यानी कंप्लीटली डिसॉल्व ऐसा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर सॉल्ट है तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ओके अगर पानी में आप क्या डालोगे ऑयल और उसको स्टर करो ऑयल और पानी अलग अलग दिखता है उसको होमोजेनियस नहीं बोल सकते वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल दो या फिर दो से ज्यादा मेटल को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है तो एलॉय बनता है या फिर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके भी अलॉय बनता है। तो अलॉय दो तरीके से बनता है मेटल एंड मेटल को मिक्स करके दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स करके क्या बनाया जाता है अलॉय। ओके अभी कौन से जो नॉर्मली हम लोग ज्यादा घर में यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन ज्यादा यूज
करते हैं हम लोग, ओके। यूज एट होम आर मेड फ्रॉम द अलॉय, वो कैसे बनाया जाता है? आयरन विद कार्बन, क्रोमियम एंड निकल, कैसे बनाया जाता है? आयरन को मिक्स किया जाता है किसके साथ? किसके साथ मिक्स किया जाता है? कार्बन, क्रोमियम एंड निकल, इन तीनों के साथ मिक्स करके आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। जो ब्रॉन्ज मेडल बनाया जाता है, ब्रॉन्ज, ओके, ये भी एक अलॉय है, ओके, वो किससे बनाया जाता है? कॉपर एंड टिन, ये दो है, ओके, कॉपर एंड टिन, इन दोनों को मिक्स करके ब्रॉन्ज मेडल बनाया जाता है, ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ओके। तो इस तरीके से अपना ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको अलॉय एंड करोजन को ठीक से लर्न करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉपर्टीज, सॉरी, यूजेस ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस यानी, सॉरी, नोबल मेटल, नोबल मेटल यानी, याद रखना सिंपल वर्ड में, जो ना पानी के साथ रिएक्ट होते हैं, ना नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, ना एयर के साथ रिएक्ट होते हैं, ओके। तो जल्दी से रिएक्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं नोबल मेटल, ओके। उनके यूजेस एग्जाम में आते हैं, अलॉय के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ठीक से लर्न करें। तो यहाँ पे अपना ये लेसन खत्म।